बालेश्वर में बीजेडी संख्यालघु सेल पक्ष विजु जनता दल 24वां प्रतिष्ठा दिवस पालित हो नेलियाबाग ठारे आयोजित कार्यक्रम में संख्यालघु सेलर टाउन सभापति सलीम रेजा सभापतित्व करते बीजेडी संख्यालघु सेल राज्य उपसभापति अब्दुल गनी हुसैन राज्य संपादक अब्दुल सम्मद खान आईनजीवी शेख अतिउल्ला सोनाली साहा शेख सलीम रजब अली प्रमुख जोगदे दीर्घ वर्ष ओडिशारे बीजेडीर सुशासन जारी रहिथिबा बेले मुख्यमंत्री नवीन पटनायकंक नेतृत्व में विकास को अधिक गुरुत्व दीजिए बोली मतव्यक्त करते विजु जनता दल आदर्श और अनुशासन को गुरुत्व दे संख्यालघु सेल सर्वदा सांगठनिक कार्य जारी रखिबो बोली वक्ता माने दृढ़ोक्ति प्रकाश करते जो समय से ओडिशा आसी नथिले पायलट करथिले एवं जो समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थिले से तांकर पायलट थिले एवं से कहिले जे जवाहरलाल बाबू ओडिशा के लिए कुछ कीजिए ना तुम तो पायलट करता है तुम क्या करेगा जाकर ओडिशा में ना नहीं हमको जरूरत है वहाँ पर एक हीराकुद बंदर बनाना है पोर्ट बनाना है एवं स्टील प्लांट बनाना है ना ये तो कैबिनेट का बात है बहुत सारा बात है ये तो अभी पास नहीं होगा कैसे होगा तो ता भीतर छे विजिट करिया पे थोड़े नहीं कर संधि हमर हीराकुद डैम पे एवं स्टील प्लांट पे जोटा राउरकेला रही नहीं कर ता भीतर कौन है सी धरिकी अफिसर को कागज पत्र सब रेडी करके से प्लेन भितर नहीं आस जो समय हीराकुद बंदर पर सब देखिले रास्ता घाट कौ प्रकार हम कौन हम प्लांट प्रोग्राम कले स्टील प्लांट कले विजय बाबू कहले कि विजय बाबू आप दिल्ली चलो तो विजय बाबू फ्लाइट को दिल्ली नहीं जा सीधा पारादीप नहीं आसिक समुद्र पाखे कहले ये सर ये अभी ये मेरा डॉक्यूमेंट है पारादीप पोर्ट के लिए इसको अगर करना है अभी कीजिए ना तो प्लेन में पानी में घुसा दूंगा। चीज कहते हैं आए हैं कि हम यूनिटी स्ट्रेंथ एंड इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। हमने महिलाओं को इक्वल अधिकार दिया है, हमने यूथ को इक्वल अधिकार दिया है, हमने युवा शक्ति को पहचाना है। सलीम भाई को देखी सब सब जगह सब थी से बहुत एनकरेज करती पढ़ती बीजेपी आग पाखे मयूरभंज जिते ख्रीस्टियन स्टेन्स हत्याकांड है आमर नवीन पटनायक बीजेपी ठार दूरे गले केवल जेहेतु गोटे संख्या लघु मान को हत्या करा जो पर भाव अमानसिक भाव में तो से गोटे सिकुलर पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी से नवीन पटनायक से जो बीजेपी सब प्रकार संपर्क छिन्न करजे गोटे ओडिशा गठन कले। फयाज अहमदों प्रत्यक्ष तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम से रियाजुद्दीन सक्रिय सहयोग करते।